ओवैसी को भाई, ओवैसी को क्यों लाते हो बेचारे, हमारे मित्र है यार। ओवैसी को भाई, ओवैसी को क्यों लाते हो बेचारे, हमारे मित्र है यार। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, तालिबान ने भारत के तरफ आंख उठाकर देखा तो नामो निशान मिट जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद ने ओवैसी पर भी कसा तंज, कहा उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी एक भी सीट। कैसरगंज सांसद ने ओवैसी को बताया मित्र। राहुल गांधी के महंगाई के सवाल पर भी बोले सांसद, कहा जो उनके लोग लिख कर दे देते हैं वही बोलते हैं राहुल गांधी। अखिलेश यादव के बयान पर गवासरे में लूट पर बोले सांसद, कहा सपा के कार्यकर्ता करते हैं गाय छोड़ने का काम। बीजेपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, मंदिर के चंदे का पैसा चुनाव में खर्च करती है भाजपा। सतीश चंद्र मिश्रा को सांसद ने दी नसीहत, सतीश चंद्र मिश्रा के बयान को बताया तुच्छ मानसिकता, कहा जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी, मायावती के देखरेख और जहाज के टिकट पर खर्च होता है बसपा पार्टी का चंदा। तालिबान भारत के बारे में कुछ सोच रहा है तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और तालिबान का नामो निशान मिट जाएगा अगर उन्होंने इधर देखने की कोशिश की। ऐसे में तालिबानी लोग इस तरीके से वर्गला रहे हैं अगर अपने यहाँ भारत के मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई संदेश सरकार की तरफ से? उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं, कानून अपना काम करेगा और ये भारत तालिबान नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के सवाल को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी केवल सवाल करते हैं, उनको कोई जवाब नहीं देता है, उनको गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल उसमें उछाल जारी है और जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए देखिए, राहुल गांधी कोई गंभीरता का सवाल नहीं करते हैं। उनके कुछ लोग हैं जो लिख करके उनको दे देते हैं, वही वो सवाल करते हैं। राहुल गांधी जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और कोरोना के इंजेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। कि लूट मची है, क्या कहेंगे? नहीं, गाय आश्रय केंद्र में बहुत भारी संख्या में गाय है लेकिन सपा के समर्थक जानबूझ करके गाय छोड़ दे रहे हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो उन्हीं के लोग बंद होंगे और वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है, पहले तो छोड़ देते हैं फिर बड़ा हो जाता है तो उसको बंद उसको पकड़ लेते हैं। ये ज़्यादातर गाय छोड़ने का काम सपा के समर्थक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओवैसी और राजभर जिस तरीके से इन लोगों की रावण की मुलाकात हुई है, इसके बाद फिर अयोध्या में आ रहे हैं ओवैसी, तो क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ओवैसी और राजभर का यहाँ क्या रखा है? उनका कुछ नहीं रखा है, अब उनके विषय में सवाल मत पूछिए, जाने दीजिए। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरीके से वो? उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा, योगी जी मोदी जी, केवल भाजपा और प्रबल बहुमत से सरकार बनेगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो या चाहे ना दिया हो, वो वोट देख करके काम नहीं कर रही है, मतदाता देख करके काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी आधार पर काम कर रही है। जो वोट नहीं दिए उनको के लिए भी काम कर रही है और जो कभी नहीं दिए हैं वो भी वोट देने वाले हैं। तो क्या ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में क्या? अब हमको तो नहीं लगता। क्या नहीं लगता नेताजी? एक भी सीट नहीं मिल रही। किसको? ओवैसी को भाई, ओवैसी को क्यों लाते हो बेचारे, हमारे मित्र है यार।